हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आरके बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां अपन चर्चा कर रहे हैं रिट सी टेट एग्ज़ाम 2020 साइंस सब्जेक्ट। आज का टॉपिक अपना पादपों में श्वसन व उत्सर्जन, तो रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो इसके 35 मोस्ट क्वेश्चन पर आज अपन चर्चा करेंगे, और सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चनों को याद होते हैं तो अच्छी बात है, वरना रट लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, वीडियो को चालू करते हैं। जो पहली बार चैनल से जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है अपने कि प्रभावी इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के लिए आवश्यक क्या है। प्रभावी जो इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र है के लिए आवश्यक क्या है। ऑप्शन देखिए, NO2, O2, H2O और सुक्रोज। तो प्रभावी इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के लिए जो आवश्यक है, जल्दी से बताइए क्या होता है। तो अब सबको बताया भाई क्या होता है, O2, यानी सेकंड ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, PPP पेंटोज फॉस्फेट पथ कोशिका में कहाँ संपन्न होता है, कटा हुआ थोड़ा सा, कहाँ संपन्न होता है। तो ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया ग्रेना में, कोशिका द्रव्य में, क्लोरोप्लास्ट में या सभी। तो PPP कोशिका में कहाँ संपन्न होता है, यह होता है कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, PPP जो है वह किससे संबंधित होता है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, श्वसन और परासरण। तो PPP को किससे संबंधित माना गया है, श्वसन से संबंधित है माना गया है, थर्ड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, PPP किसका विकल्प है। PPP यानी पेंटोज फॉस्फेट पथ किसका विकल्प है, अवायवीय श्वसन, किण्वन या वायवीय श्वसन या सभी। तो PPP जो विकल्प है वह मुख्य रूप से वायवीय श्वसन का विकल्प है मानते हैं अपन, थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी श्वसन में प्रथमतः कौन सा श्वसन आधार प्रयुक्त होता है, श्वसन आधार प्रयुक्त होता है। ऑप्शन तेल, रासायनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक अम्ल। तो चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइए कौन सा श्वसन आधार प्रयुक्त होता है। बिल्कुल राइट, कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में तुलना करने पर किससे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तुलना करने पर किससे अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी, ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, वसा, दोनों सही या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वसा व कार्बोहाइड्रेट की तुलना करने पर किससे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। तो वसा से एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा प्राप्त होती है, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। और तुरंत अगर एनर्जी की आवश्यकता होती है तो क्या काम में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अपने, मांसलोद्भिद जो पादप होते हैं उनमें श्वसन आधार के अलावा अन्य आधार प्रयुक्त होते हैं। अन्य आधार कौन से होते हैं, ऑप्शन अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, वसीय अम्ल और उपरोक्त अम्ल। तो कौन से अम्ल श्वसन आधार के अलावा अन्य आधार प्रयुक्त होते हैं, तो कौन से होंगे, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो बताइए कौन सा। तो बिल्कुल सही होगा, कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वे श्वसन आधार के अलावा अन्य आधार प्रयुक्त होते हैं। फिर आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट का जो RQ होता है वह कितना होता है, रेस्पायरेशन क्वांटम, तो श्वसन गुणांक जिसे अपन कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल राइट, आपने जो बताया है, कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है, 0 होता है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, वसा का RQ मान कितना होता है। वसा का अगर RQ मान पूछा जाए तो ऑप्शन देखिए, 2, 1 से कम, 1 से अधिक या कोई नहीं। तो वसा का होता है 1 से कम में होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रोटीन का RQ कितना होता है, 1 से कम, 1 से अधिक या अनंत। तो प्रोटीन का भी होता है 1 से कम में होता है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके, यदि RQ का मान 1 है तो आधार होगा। यदि RQ का मान 1 है तो आधार, यानी कि RQ का मान 1 किसका होता है, ये पूछ रहा अगला कि RQ मान 1 किसका होता है। तो ऑप्शन देखिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा,
प्रोटीन और कोई नहीं। तो आरक्यू का मान एक किसका माना गया है, वह अपन मानते हैं कार्बोहाइड्रेट का, फर्स्ट ऑप्शन है जो है वह सही होगा। आरक्यू का मान एक है तो आधार होगा कार्बोहाइड्रेट होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए अपने, ऑक्सीकरण फास्फेटीकरण होता है सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, परोक्सीसोम या क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा अपने, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीकरण जो फास्फेटीकरण की क्रिया होती है वह तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अंकुरित होते हुए अरंड के बीजों का श्वसन गुणांक कितना होता है, 2, 3, 1 से कम या 0। तो अंकुरित होते हुए जो अरंड के बीज होते हैं ना, उनका अगर श्वसन गुणांक अपने से पूछे तो वह कितना होगा, जल्दी से बताइए, तो वह होता है 1 से कम होता है। सर्वव्यापी हाइड्रोजन ग्राही किसे कहते हैं, ADP, कोएंजाइम ए, FMN और NDH। तो सर्वव्यापी हाइड्रोजन ग्राही किसे कहते हैं अपन, कोएंजाइम ए को कहते हैं, सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अपने, ऑक्सीश्वसन के EMP पते के मध्य कुल ATP उत्पादन कितना होता है, 6 ATP, 10 ATP, 36 ATP या 20 ATP। तो वह कितना होता है स्टूडेंट्स, वह होता है 6 ATP होता है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अपने, अनोक्सीश्वसन में शर्करा के अपूर्ण अपघटन से, पूर्ण अपघटन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज और CO2, फ्रक्टोज जल, एल्कोहल CO2 जल तथा CO2। तो अनोक्सीश्वसन में शर्करा के अपूर्ण अपघटन से जो प्राप्त होता है वह होता है अपने एल्कोहल और CO2, थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अपने, ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के मध्य की कड़ी किसे मानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूरी याद रखना, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए, जल्दी लाइक कीजिए, आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब के मध्य की संयोजक कड़ी, ऑप्शन एसिटाइल कोएंजाइम ए, सक्सेनिक अम्ल, ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। तो इनके मध्य की संयोजक कड़ी कौन सी होगी, वह होगी अपने ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पायरविक अम्ल क्या एक यौगिक है जिसमें क्या मिलते हैं, 3 कार्बन, 2 कार्बन, 5 कार्बन या 6 कार्बन। तो इसमें क्या मिलते हैं अपने को, 3 कार्बन मिलते हैं, थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन श्रृंखला का अंतस्थ साइटोक्रोम है, तो साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम B6 या साइटोक्रोम F। तो ये क्या है, साइटोक्रोम ए है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अपने, श्वसन में विमोचित CO2 तथा उपयोग की गई O2 अनुपात कहलाता है, श्वसन क्षमता, श्वसन अवस्तर, श्वसन गुणांक और उपरोक्त सभी। तो ये कहलाता है सेकंड ऑप्शन जो होगा, श्वसन अवस्तर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर अपने, ATP के रूप में ग्लाइकोलाइसिस में, ATP के रूप में ग्लाइकोलाइसिस में कुल कितना लाभ होता है, कितना लाभ होता है, तो 3, 6, 8 या 9, कुल कितना लाभ होगा, तो होता है 8 ATP अणु का इसमें क्या होता है, निर्माण होता है, तो 8 ATP। अगला देखिए, अवायवीय श्वसन में कितने, अवायवीय श्वसन में कितने ATP संग्रहित होते हैं, 2, 3, 6 या 9। तो अवायवीय श्वसन में जो ATP संग्रहित होते हैं उनकी संख्या है 2, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, व्यायाम से हमें थकान क्यों महसूस होती है, कारण देखिए, ऑप्शन फर्स्ट सक्सेनिक अम्ल के एकत्रित होने से, लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से, पायरविक अम्ल के एकत्रित होने से या निम्न में से कोई नहीं। तो व्यायाम करने पर जो थकान महसूस होती है उसका कारण माना गया है लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होना, यानी जो सेकंड ऑप्शन है ना अपना, वह क्या होगा इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर,
ग्लाइकोलाइसिस की अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं? तो ग्लाइकोलाइसिस सबको पता है, ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है वह कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। फर्स्ट ऑप्शन अपन मानेंगे इसमें सही होगा। फिर आगे देखिए, पायरविक अम्ल किस स्थान पर एसिटाइल कोएंजाइम में परिवर्तित होता है? हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं? तो पायरविक अम्ल किस स्थान पर एसिटाइल कोएंजाइम में परिवर्तित होता है, तो बताने की कोशिश कीजिए सही आंसर। बिल्कुल राइट, सही आंसर होगा हरित लवक, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए फिर अपने, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट, क्रिस्टि की झिल्ली में, क्रिस्टि पर उपस्थित F1 तत्वों पर, क्रिस्टि के मध्य स्थान पर, या माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो एटीपी का जो निर्माण होता है वह होता है क्रिस्टि पर उपस्थित F1 तत्वों पर होता है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। फिर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए फिर अपने, जैवीय ऑक्सीडेशन में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? ग्लूकोज के रूप में, पायरविक अम्ल के रूप में, एटीपी के रूप में, या उपरोक्त सभी? तो जैवीय जो ऑक्सीडेशन होती है, ऊर्जा जो उसमें संग्रहित होती है, वह हमेशा एटीपी के रूप में होती है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा उच्च ऊर्जा युक्त अणु होता है? एचटीपी, डब्ल्यूटीपी, टीपीपी, या उपरोक्त सभी? तो इनमें से कौन सा होगा? थर्ड, टीपीपी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एडीपी से एटीपी के बनने में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ऊर्जा की मान देखिए, 3.6 किलो कैलोरी, 7.3 किलो कैलोरी, 12.6 किलो कैलोरी, या 2.6 किलो कैलोरी। तो एडीपी से एटीपी बनने में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जल्दी से बताइए। तो वो होती है 7.3 किलो कैलोरी, सेकंड ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा की मुद्रा क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, या एटीपी? तो ग्लूकोज की मुद्रा सबको पता होगा मेरे ख्याल से, बायो स्टूडेंट्स को, ये होती है एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, याद रखना। ऊर्जा मुद्रा क्या है? एटीपी। फुल फॉर्म क्या है एटीपी की? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन देखिए, एटीपी किस में बनता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, फोटोफॉस्फोरिलेशन, या उपरोक्त सभी में? तो एटीपी जो बनता है वह मुख्य रूप से किस में बनता है? वह बनता है इनमें, श्वसन में भी बनता है, प्रकाश संश्लेषण में भी बनता है, और फोटोफॉस्फोरिलेशन में भी बनता है। तो चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायवीय श्वसन का उत्पाद क्या होता है? तो जो वायवीय श्वसन होता है ना, उसके उत्पाद की अगर अपन बात करें तो वह होता है ऑप्शन CO2, H2O, ऊर्जा, या उपरोक्त सभी। तो वायवीय श्वसन के उत्पाद CO2 भी होते हैं, H2O भी है, और ऊर्जा भी है। तो अपना आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी जो होगा वह सही होगा, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अवायवीय श्वसन का उत्पाद क्या होता है? ऑप्शन एथिल एल्कोहल, लैक्टिक अम्ल, और CO2, और उपरोक्त सभी। तो अवायवीय श्वसन का जो उत्पाद होता है वह भी अपन मानते हैं एथिल एल्कोहल भी होता है, लैक्टिक अम्ल भी होता है, और CO2 भी, यानी इसमें भी उपरोक्त सभी सही होगा, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए अपने, ग्लाइकोलाइसिस में कितने पायरविक अम्ल के अणु बनते हैं? कितने पायरविक अम्ल के अणु बनते हैं? तो ऑप्शन देखिए, 0, 2, 4, या 5? तो ग्लाइकोलाइसिस में पायरविक अम्ल के अणुओं की संख्या जल्दी से बताइए कमेंट्स करके। बिल्कुल राइट, वह कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो दोस्तों, ये थे मोस्टली 35 क्वेश्चन जो अपने टॉपिक पादप श्वसन और उत्सर्जन से बनने वाले थे। आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।